जितना आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले ही टाइम्स ऑन भारत ने आपको ये ब्रेकिंग न्यूज बताई थी कि बीएसपी का दामन छोड़ करके वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और यही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नीरज पांडे बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए देखिए, अब एक के बाद एक कई ऐसे मेंबर्स हैं अलग अलग पार्टीज के जो बीजेपी अब ज्वाइन कर रहे हैं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। लेकिन बीएसपी की अगर बात करें तो काफी बड़ा झटका मायावती को इस वक्त लगा है, क्योंकि रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीएसपी से काफी वक्त तक वो नाराज चल रहे थे, वो चाह रहे थे कि उनसे बातचीत करें और उनकी जो नाराजगी है उसे दूर करें, जो उनकी समस्या है उसे दूर की जाए। लेकिन वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी में उनकी नहीं बात सुनी जा रही है, और यही वजह है कि रितेश पांडे ने पार्टी से इस्तीफा देकर आज बीजेपी में वो शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, औपचारिक तौर से उन्होंने सदस्यता ले ली है। रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीएसपी से काफी नाराज चल रहे थे, बीएसपी से सांसद हैं रितेश पांडे, जो कि इस्तीफा देकर के अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। बीएसपी को ये बहुत बड़ा झटका, हालांकि इस पर पोस्ट करके मायावती ने एक्स में पोस्ट भी किया, उन्होंने कहा कि स्वाभिमान की पार्टी है ये, और ऐसे में जो भी बेईमानी करेगा उसके लिए पार्टी के अंदर कोई भी जगह नहीं है। रितेश पांडे काफी वक्त से नाराज चल रहे थे मायावती से, बीएसपी पार्टी से वो नाराजगी थी उनकी कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, और उन्होंने उसके बाद इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद रितेश पांडे ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, ऑफिशियल तरीके से औपचारिक तौर पर सदस्यता ले ली है, और ये उसी की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं।